दोस्तों, अगर चैन से सोना है तो ठीक से बात कर सोइए। हाल ही में ही मिस्टर शर्मा जी का खाते वक्त मृत्यु हो गया, क्योंकि ठीक से पादे नहीं थे। इसीलिए कहते हैं, अगर बचना है, ठीक से सोना है, तो फिर अच्छा से बात कर सोइए। इस पे शुक्ला जी का क्या ख्याल है, आइए उनसे पूछते हैं। तो बताइए शुक्ला जी, कैसे हुआ यह हादसा? और आपको क्या बताएं रिपोर्टर साहब, बहुत भले इंसान थे। चलते हैं इनके के पास, उसका क्या ख्याल है इस हादसे पर? और आपको क्या बताएं रिपोर्टर साहब, रात को ही समोसा खाकर सोए थे, के साथ चाय भी लिए थे। जब सुबह उठे तो ये सब हादसा हो गया था, क्या बताएं। अरे अरे शांत हो जाए, आप लोग जैसे देख ही रहे हैं इनके भावुक हो गया है। तो चलिए चलते हैं उसके दोस्त के पास, उसका क्या ख्याल है? ए, अंकल हमें छोड़ के चले गए। अंकल तुम कहाँ इतना भावुक हो रहा है? इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं, चलते हैं फिर से मिस्टर शुक्ला जी के पास, वो क्या कहते हैं। और क्या बताया आपको रिपोर्टर साहब, बहुत बड़े इंसान थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी रिपोर्टर साहब, हम लोग तकरीबन 7 बजे नाश्ता कर आ रहे थे। हम गए अपने रूम, शुक्ला अंकल गए अपने रूम पर। सुबह जब उठे तो क्या ऐसा हालत हो गया था। शुक्ला जी आप कुछ कहना चाहेंगे? और क्या बताएं रिपोर्टर साहब, बस शुक्ला जी भले इंसान थे, पिछले 2 बार आप यही कह चुके हैं, और कहने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आप लोग जैसे देख रहे हैं मिस्टर शर्मा जी का खाने की वजह से उसका देहांत हो गया। आप लोग कहते हैं जितना खाओ उससे ज़्यादा आप पा दो, वरना आप लोगों का भी हसर यही हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले रिपोर्ट पर, और हाँ बातते रहिए।